तो कौन क्लास में पढ़ते हो पहले बताओ? 12th। कौन सा क्लास में पढ़ाई करते हो? अभी 10th में। सुन इनका, अब लुक पूरा चेंज है, पहले दूसरा तरह दिखते थे। हाँ तो मोर दाढ़ी बाल बढ़ा लिए तो अब चेंज दिखवे नहीं। अच्छा दिखते थे कि अब? अब बोला अच्छा लगता है, पूरा देहाती आदिवासी दुनिया देखते हैं। ओके, आगे चल के तो हम हेमंत सोरेन सर के जैसा बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो? सीए। पीछे यह तमाम छात्र हैं और छात्रों के गले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का हरा पट्टा डाला हुआ है। आज ये मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन के हाथों तमाम लोगों की झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइनिंग हुई है और हम इनसे बात करते हैं, कैसा लगा सीएम के हाथों आपके गले में पट्टा पड़ा और ज्वाइनिंग हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का? वैसे तो हमें सीएम ने नहीं, भैया लोग तो यहाँ साथ में थे ना उन, तो थोड़ा अच्छा लगा। कहाँ से आए? घर से। घर से तो आए हो, कहाँ से मतलब कौन जगह से? लातेहार। लातेहार, इससे पहले कौन सा संगठन में तुम? इससे पहले तो हम कोई भी संगठन में नहीं थे, आज पहली बार आए हैं। सीएम हाउस में पहली बार पहुँचे कि पहले आए थे? नहीं पहली बार आए हैं। कैसा लगा ये बताओ? आके अच्छा लग रहा है कि हम आए यहाँ तक, सीएम को भी इतना करीब से देखे। हाँ जी, पहली बार देखे हैं, इतना करीब से पहली बार देखे हैं, बाकी इससे पहले नहीं देखे थे हम। कौन सा क्लास में पढ़ाई करते हो? अभी 10th में। 10th में, लेकिन अब पॉलिटिक्स में भी? हाँ धीरे धीरे। क्या बनना चाहोगे आगे चल के? आगे चल के वैसा सोच तो नहीं है, बस हेमंत सोरेन नहीं सर, मौका मिला तो बनना चाहेंगे, लेकिन मेरा सपना कुछ और भी है। और क्या? फुटबॉल खेलना, बस फुटबॉल खेलना, खिलाड़ी बनना पड़े जी, लेकिन साथ साथ समाज की सेवा पार्टी में रख। हाँ जी। तुम कहाँ से आए हो जी? लातेहार से। लातेहार से, तो कौन क्लास में पढ़ते हो पहले बताओ? 12th। आज ज्वाइनिंग हो गया पार्टी में, हो गया ना गया, क्या करोगे? क्या करेंगे, जनता का सेवा करेंगे और क्या करेंगे। क्या बनना चाहते हो? सीएम। सीएम किसके ऐसा, कौन अच्छा सीएम लगता है? अभी तो कोई, हेमंत सोरेन जैसा बनना है। हेमंत सोरेन ऐसा, वैसा ही बनना है, तभी ना उसी के सामने आए हैं। हेमंत सोरेन का अब लुक पूरा चेंज है, पहले दूसरा तरह दिखते थे। हाँ तो मोर दाढ़ी बाल बढ़ा लिए तो अब चेंज दिखवे नहीं। अच्छा दिखते थे कि अब? अब बोला अच्छा लगता है, पूरा देहाती आदिवासी दुनिया देखते हैं। खाटी झारखंडी। खाटी झारखंडी। क्या जी, अच्छा कौन वाला लुक अच्छा लगता है? ज्वाइन तो हो गया, बताओ नेताजी कैसा अच्छा लगता है? अभी बहुत अच्छा लगते हैं, अभी का लुक उन लोग का उसका बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ क्या बनना चाहते हो तुम? हम तो अभी क्या बनना चाहते, अभी नहीं आगे चल के, इतना जल्दी चल के, आगे चल के तो हम हेमंत सोरेन सर के जैसा बनना चाहते हैं। क्या ऐसा आदर्श मानते हो? हाँ मानते हैं उनके आदर्श, इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन भी किया। हाँ जी। तो देखिए, हेमंत सोरेन को आदर्श मानते हैं और उनका जो नया लुक है, जिस तरह से गुरुजी वाले लुक में हेमंत सोरेन पिछले 3 महीने से दिख रहे हैं, जब जेल से वापस आए तो लुक ही पूरा बदल गया। उससे जो तमाम छात्र है वो भी यह रूप जो है आकर्षित उन्हें कर रहा है। और देखिए इधर कई लड़कियां हैं, लड़के, तो पूरा मुख्यमंत्री आवास जो है वो भरा हुआ है और हेमंत सोरेन ने तमाम लोगों को सदस्यता झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिलाई। कहाँ से आई हैं आप? खूंटी जिला से आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज ज्वाइनिंग हुई, क्यों आखिर आप? हम लोगों को कमलेश भैया खबर दिए तो उसका विचार अच्छा लगा, फिर हेमंत सोरेन यहाँ जो भी मैया योजना निकालते हैं तो उसका लाभदायक जो अच्छा, उसके वजह से यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले कौन संगठन में आप लोग थे? ABBP या किसी में? नहीं कुछ, किसी में नहीं? नहीं नहीं थे। पहला है कदम और सीएम के हाथों। हाँ। आगे क्या बनना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, अगर आगे मौका मिलेगा तो क्या करना चाहेंगे? जैसे कि यही पार्टी वाला ज्वाइन कर ले तो और अच्छा है, पॉलिटिकल के आधार से चुनाव ना लड़के विधायक मंत्री सीएम बनना सपना है? हाँ सपना है, लेकिन जो जितना दूर तक हो जाए उतना दूर तक कर लेंगे। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, और उसका जो विचार बात करने का जो तरीका वो सब भी अच्छे लगते हैं, और विशेष तो लाभदायक है मैया योजना जो निकाला उसके लिए, और अब दो मतलब 18 साल के लिए भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वो भी अच्छा ही लगा। अब पहले अच्छे लगते थे या अब जो लुक चेंज हुआ है हेमंत सोरेन का? अब चेंज मतलब दोनों में ही, गुरुजी वाला लुक में। हाँ हाँ। तो देखिए तमाम जो छात्र हैं वो
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले चुकी हैं, छात्र छात्राएं हैं, अब तक पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन को देखकर, उनके कामों को देखकर, उनके संघर्षों को देखकर इन्हें लगा कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो कुछ आगे समाज की सेवा कर पाएंगे। और हेमंत सोरेन के विचार जिस तरह से छात्रा बता रही थी और उनकी योजना से प्रभावित हुई है और अब आगे चलकर एक एक कर जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें सक्रिय होंगे, स्कूल से पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। कई ऐसे भी छात्र थे जिनसे बात किया कि पहली बार मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे लेकिन हेमंत सोरेन के इतना करीब से देखकर काफ़ी अपने आप में इनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।